Good morning, students. Today I'm going to start with chapter 1, story of the past, history. So in this chapter we are to study about history. What is history? History is the study of past events, particularly in human affairs. The term history is derived from the Greek word historia, which means finding out. The word history, ye basically hume mila kahan se? Greek word historia se mila, jiska matlab hota hai finding out. Thus the study of history enables us to know about the past of any society or nation. इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे दैट जो हमारा सोसाइटी है और नेशन है उसका पास्ट क्या था. इट इज़ द स्टडी ऑफ पीपल, प्लेसेस, इवेंट्स, लाइफ स्टाइल एंड लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर्स ऑफ सोसाइटी. हिस्ट्री की स्टडी में बेसिकली हमें ये भी जानने को मिलता है जो भी पहले ज़माने के प्लेसेस थे, इवेंट्स थे, पीपल थे, लाइफ स्टाइल्स थे, लैंग्वेजेस थे, कल्चर्स थे, रिलीजियस बिलीव्स एंड द सोशल एंड द पॉलिटिकल ऑर्डर्स जो थे हमारे सोसाइटी के, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री में जानने को मिलता है. सो लुक एट हियर, हिस्ट्री गिव्स अस एन इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स, एस्पिरेशन एंड सब्सिक्वेंट अचीवमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ एनी सोसाइटी. हिस्ट्री में बेसिकली हम ये भी पढ़ते हैं, ये भी जानते हैं जो भी पहले के ज़माने के जो भी लोग थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जो कि हिस्ट्री में मैंशन है, उन सारे महान लोगों के बारे में हमें जानने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ history. It also provides typical chronological and continuous record of important public events and instructions. ये हमें बहुत सारे instructions public events के भी बारे में बताता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है जो भी चीज़ें past में basically हो चुकी है, जो भी महान लोग हुए हैं और जो भी ऐसे public famous personality वगैरह हुए, ठीक है, जो भी society related हुए, nations related हुए, places, people, lifestyles, social and political orders, everything. जो भी पास्ट में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है, ये सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को हिस्ट्री के स्टडी के द्वारा प्राप्त होती है. तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर, सो काइंडली फोकस है हम. सो दिस इज द चैप्टर स्टोरी ऑफ द पास्ट हिस्ट्री. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पर्टिकुलरली इन ह्यूमन अफेयर्स. द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट. दैट मीन्स हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, स्पेशली द पीपल, सोसाइटीज, इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट एज वेल एज आवर अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड देम. बेसिकली द टर्म हिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. ये जो वर्ड है हिस्ट्री वो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया था जिसका मतलब होता है फाइंडिंग आउट. Thus, the study of history enables us to know about the past of any society or nation. It is the study of people, places, events, lifestyle, whatever I have already explained here. History is the study of the past, especially the people, societies, events, and problems of the past, as well as our attempts to understand them. Now look at it. It is given that our past time period has been divided into prehistory and history. Okay, the period of study before the invention of writing is termed as prehistory. That means it is the time before writing was introduced. Okay, before writing was introduced. Due to the absence of writing, we do not have any literary records available for the study of prehistory. Our knowledge of prehistory mainly comes from the material remains from the past. That includes poetry, ज्वेलरी, क्वाइंस, जूस, वेपन्स, स्कल्पचर, इटीसी. तो वन क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. बेसिकली फर्स्ट ऑल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दैट व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री कैन बी जनरली डिफाइंड एज द पास्ट एंड हाउ पास्ट रिलेट्स टू द ह्यूमन लाइफ्स. So here is the main difference that between history and prehistory is the existence of records. History is the recorded events of the past, whereas prehistory is the time before writing was introduced. Therefore it is clear that prehistory, as the name suggests, is the time period before history. Now the need to study history. The study of history is very important for us. It helps us in the following ways. That means study history is important because it allows us to understand our past, which in turn allows us to understand our present. So here is given some point. The first is
To know our past. Most parts of social science other than history tells us about the world in the present. That means social science के ज़्यादातर parts जो है history से ज़्यादा, that means history के comparison में वो हमें present में हमारा world क्या है उनके बारे में बताते हैं. But history help us to understand how to present evolved. हिस्ट्री हमें ये समझने में भी मदद करता है कि हमारा प्रेजेंट किस तरीके से इसमें इवॉल्व है. इट टीचेस अबाउट द पास्ट विच इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. हिस्ट्री इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स. एक्चुअली इट इज अ कंटिन्यूस स्टोरी ऑफ एन इवेंट लीडिंग टू अनदर. स्टडिंग हिस्ट्री इज द की टू नो आवर प्रेजेंट. दैट मीन्स अगर हम हिस्ट्री की स्टडी अच्छे तरीके से करते हैं, उसके पास्ट के बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे प्रेजेंट के लिए. हिस्ट्री इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स. ये सिस्टमैटिक स्टडी है पास्ट इवेंट्स का, जो कि हमें पास्ट इवेंट्स के बारे में भी बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ कंटिन्यूस स्टोरी ऑफ एन इवेंट्स लीडिंग टू अनदर. स्टडिंग हिस्ट्री इज़ अ की टू नो आवर प्रेजेंट एंड दिस स्टडी इज़ रिलेटेड टू आवर प्रेजेंट ओबियसली.